हाय एवरीवन, आज हम पोहे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटे नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी भी है। 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। सुबह की भागदौड़ में इस नाश्ता को जरूर ट्राई करिएगा, एकदम आसान रेसिपी है। अब चलिए देर की इस बात की, नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, 1 कप पोहा ले लिया है। इस नाश्ता को हम पोहा से बनाएंगे। अब पोहा को हम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहा को धो के ले लिया है। 1/2 कप चावल का आटा मिलाएंगे, 2 चम्मच खट्टा दही मिलाएंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। अगर दही नहीं खाते हैं तो इसके जगह आप नींबू का रस डाल सकते हैं। 1/2 कप पानी और डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम इसके लिए एक तड़का रेडी करते हैं। गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, 1/2 चम्मच राई डालेंगे और थोड़ी सी जीरा डालेंगे। दोनों चीज़ों को चटकने देंगे। चटक गई है, 1 शिमला मिर्च काट लिया है बारीक से, वो डाल देंगे। 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भून लिया है। 2 हरी मिर्च काट लिया है, वो भी डाल देंगे। और 1 टमाटर काट लिया है, वो भी डाल देंगे। मैं बिना प्याज के बना रही हूँ, अगर आप प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी नमक डालेंगे। नमक डाल के 2 मिनट हम सब्ज़ी को भून लेंगे, ताकि कच्चापन निकल जाए। इसके जगह आपकी मनपसंद सब्ज़ी और डाल सकते हैं। इस तरह से तड़का लगा के बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 मिनट भून लिया है, तड़का हमारी रेडी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा करके ले लेंगे। अब हम पोहे को चेक करते हैं। देखिए पोहे भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है। अब हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। 1 बॉयल आलू ले लिया है, आलू को ग्रेट करके डालेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। पहले भी हम तड़का में नमक मिला चुके हैं, आप अपने हिसाब से मिलाएं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। इधर तड़का भी हमारी ठंडी हो गई है, अब तड़का को डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेसिक सा जो मसाले होते हैं रसोई में, उसी से ही बना के दिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गाढ़ी लग रही हैं। 1/2 कप पानी और डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी गाढ़ी लग रही हैं। 2 चम्मच पानी और डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ता को हम कढ़ाई पे बनाएंगे। गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, 1 चम्मच बैटर डाल देंगे। इस तरह से फैला लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखा है। अब इसको 3 मिनट कवर करके पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके। 3 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए ऊपर से ड्राई हो गई है। 1 चम्मच ऑयल और डाल देंगे ऊपर से। अब हम छुड़ा लेंगे इस तरह से। अब हम पलट लेंगे, देखिए कितनी बढ़िया कलर आ गई है। फिर से 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं। हम पलट लेंगे दोबारा से, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अलट पलट के 2 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप 2 चम्मच आटा मिला सकते हैं। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, इसी तरह से हम सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए। इतनी सॉफ्ट है, मुँह में देते ही घुल जाए। बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। सब मांग मांग कर खाएँगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मी में रोटी सब्ज़ी बनाने का मन ना करे तो इस तरह की नाश्ता बना सकते हैं। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जैसा आपका मन है आप खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।